अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। रमज़ान की आमद है, सब तरफ रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं। इसी में मेरी भी जो छोटी छोटी तैयारियाँ हैं वो हो रही हैं। जो भी मैंने परचेज़ किया है मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब रमज़ान के लिए रमज़ान ग्रोसरी हॉल या शॉपिंग जो भी कह लें वो शेयर करूँगी। जितना मुझे रिक्वायरमेंट था उतना मैं लाई हूँ, वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यहाँ पर चीज़ आपको शेयर किया है। चीज़ जो है मैंने लिया था, ये बहुत अच्छा होता है। अलग अलग से मोजरेला और चेदर लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्लेंडेड होता है तो बहुत इजी से हो जाता है। तो यहाँ पर ये रॉग ऑयल लिया है। तेल की जो कीमतें हैं आसमान को छू रही हैं, बस मैंने रॉग ऑयल जो है उसको लिया है। 4 पैकेट ये है गेहूँ मैंने 7 kg लिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास आटा भी रखा हुआ है तो 7 kg मैंने गेहूँ लिए हैं। आपको लग रहा होगा आज जो है बैंगल्स वगैरह पहने, आज हम गए थे दावत के लिए और वहाँ से सीधे चले गए थे हम डी मार्ट, और आते ही मैंने ये जो है शूट कर लिया था बट एडिटिंग नहीं कर पाई थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया आपके साथ शेयर करने तक। तो ये क्यूट सा एक ट्रे था छोटा वाला, जो कि अभी रमज़ान में बहुत सारे स्नैक्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो हम इसमें रख सकते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगा तो इसको भी एक ले लिया है और बहुत प्यारा लग रहा था। और ये सेवैयों की पैकेट है जो कि मीठा तो ऑब्वियसली बनता है रमज़ान में, तो चलो ये भी बना लेते हैं, तो वो भी ले लिया है। और ये ऑयल के 4 पॉकेट्स हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं। राख के ही ली हूँ, अदरवाइज फॉर्चून लेती या कभी फ्रीडम लेती, अभी राख के जो है ली हूँ। होता चलता रहता है, मेरे अलग अलग आते रहते हैं, ये नहीं कि एक ही पर हूँ। तो यहाँ पर ये साजिरा मैं ली थी, लेकिन जो है ये पता नहीं इसे क्या लग गया था, जब मैं वहाँ से ली थी तो ये सही था बट फिर शायद बैग में वगैरह इसको कुछ लग गया और यहाँ से ये निकल कर गिर रहा था, तो छोटा सा सेलो टेप मैंने यहाँ पर टक किया है ताकि ये गिरे ना। तो जी फ्रेंड, साथ ही साथ ये आइसक्रीम का पॉकेट जो ज्योति का था वो लिया है, इसको पहले भी मैंने ट्राई किया है अच्छा बनता है तो ये भी ले लिया है। और यहाँ पर ये छोटू सा जार क्यूट सा कांच का, ये भी बहुत प्यारा था, रेड कलर का इसका नीडल था, बहुत अच्छा लग रहा था तो ये लिया है। और यहाँ पर मिसवाक का पेस्ट आ गया, मिसवाक कोलगेट और मिसवाक दो चीज़ें जो है हमारे यहाँ पर चलती हैं, तो ये दोनों में से आज जो है मिसवाक लिया है। ये 20-20 बिस्किट लिए हैं, इसमें 6 पॉकेट्स कुछ थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑफ़र में मुझे मिल रहा था तो बस मैंने ले लिया है। और हम लेडीज़ का काम ये होता है कि चलो ऑफ़र और कम रेट में जो चीज़ें मिल जाती हैं वो तो आती ही हैं घर पर। ये है टमाटो केचप जो मैंने लिया है, और सारे रमज़ान सारे बरस साल में नहीं लगता लेकिन रमज़ान में जो है ये चीज़ें लगती हैं, ये रमज़ान की शान रू अफ़ज़ा, इसके बगैर तो रमज़ान अधूरा है। बॉर्नविटा की छोटी सी पैकेट ली है, बच्चों के लिए मैगी, क्योंकि अभी हमारे होते हैं रोज़े, बच्चों को जब छोटी मोटी भूख लगती है तो उनके लिए ये मैगी मैंने परचेज़ की है ताकि उनको इजीली हम बनाकर दे सकें और हमें भी मुश्किल ना हो और उनको भी भूख से तकलीफ ना हो। तो ये जो माइनस है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, अदरवाइज़ मैं डॉक्टर ओटकर का लेती हूँ, मुझे ट्राई करना था। मेरी ये आदत है, हैबिट है कि मैं ट्राई करने के लिए चीज़ें लेती हूँ। और ये सेजवान की चटनी ये जाएगी नूडल्स वगैरह में, पास्ता में, जो भी चाइनीज़ बनेगा उसमें। ये सोया सॉस, विनेगर, ये सारी चीज़ें हैं, बस इतनी मुझे इनफ है छोटी वाली, क्योंकि उतना ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ, बस होती हैं चीज़ें वो। ये मूंग की दाल है, ये सारी पॉकेट्स में दालें हैं, ये उड़द की दाल है, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी उतनी मैं ली हूँ। आप भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा आपकी जो ग्रोसरी शॉपिंग है हुई है नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। चने भी ली हूँ मैं। तो जी बस रमज़ान के महीने में ये होता है कि अल्लाह ताला सबको भरपूर रोज़ी दे, और जिस तरीके से हमारे हस्बैंड लोग रोज़े रहकर अपनी रोज़ी के लिए भाग दौड़ करते हैं तो अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे और हम औरतों को भी उन जो रोज़दार है उनको अच्छा से अच्छे बनाकर खिलाने की हिम्मत दे, इबादत करने की हिम्मत दे, बहुत ढेर सारी इबादत करें, क्योंकि हम 11 मंथ तक खाते ही रहते हैं। 1 मंथ होता है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें इबादत का हुक्म दिया है और इबादत हमें करनी है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तवज्जा इबादत पर दे। आपका एक
भी सेकंड ऐसा ना हो जिसमें आपने कुछ पढ़ा ना हो या कुछ जिक्र ना किया हो। इस तरीके से हमारा रमज़ान गुजरे। रमज़ान के पहले ही बहुत सारी तैयारियां कर लें जिससे आपको आसानी हो, जैसे कि रमज़ान ग्रोसरी रमज़ान से पहले कर लें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी जो क्लीनिंग होती है वो सारी कर लें ताकि इबादत में कोई दखल खलल कुछ ना हो और हम ढेर सारी इबादतें करें और जितना हमने पिछले रमज़ान में किया है उससे दुगना करने की कोशिश करें। मतलब इतने रमज़ान में हमने सपोज़ कीजिए हमने एक कुरान पढ़ा है तो इस रमज़ान में इंशाल्लाह ताला हम इरादा करेंगे कि हम दो कुरान पढ़ेंगे। सपोज़ हमने पिछले साल जो है तस्बीहात इतनी पढ़ी है तो इस साल इंशाल्लाह करेंगे इरादा के डबल पढ़ें या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ें, इस तरीके से कोशिश करें। तो रमज़ान का महीना है, बहुत इबादतों में गुजारे, बहुत ही ज़्यादा इबादतों में गुजारे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखे, खासकर मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखे, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखिए शुगर है जो मीठा बनता है रमज़ान में, ओबियसली रमज़ान में तो मीठा बनता ही है, तो शुगर मैंने ज़्यादा ली है ताकि कम ना पड़ जाए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हमें भागना पड़े रिटर्न, तो इसीलिए मैंने हल्दी भी ली है, नमक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है लगती हैं बार बार, तो ये काले किशमिश हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, तो ये मैंने एक पैकेट ली हैं। डी मार्ट में जो है ड्राई फ्रूट्स थोड़े मुझे लगते हैं कि कॉस्टली होते हैं तो मैं वो बाहर से लूँगी मुझे लगता है, और पैकिंग भी रहते हैं तो मुझे उतना समझ में नहीं आते, तो बस मैंने वो नहीं लिया। अभी मेरा जो लोकल मार्केट का जो शॉपिंग है वो बाकी है, मैं बाहर से लूँगी पास्ता वगैरह और ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। ये सारी थैलियों में वही मूँग दाल, मसूर दाल, तुअर की दाल और मूँग बोलते हैं वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर हल्दी के दो पैकेट निकल आए हैं बैग में, अभी एक निकला है। ये सेंगा फुटाने जो होते हैं वो भी हैं। कभी कभी होता है हमें चटनी बनाना होता है और साबूदाना की जो खिचड़ी बनाते हैं उसमें सेंगा लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने ली हैं। और ये पेन जो है मेरे हस्बैंड ने लिए हैं, ये उनको चाहिए थे पेन। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए ये है रोज़ वाटर सोप जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर ये मैच बुक्स आए थे जो कि बॉक्स थे लेकिन बच्चों ने इनको तोड़ फोड़ दिया है। बस बच्चों का यही होता है कि चीज़ें आते साथ वो चहल पहल उनकी मच जाती है। और ये है लोटस का फेस पैक, मैं इंशाल्लाह ताला यूज़ करूँगी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। इसका रिव्यू अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं शेयर करूँगी। तो ये है हमारा बिल जो कि डी मार्ट का है, और मेरे हस्बैंड ने और मैंने अलग अलग बिल बनाई थी, तो दो बिल। ये इलायची है, ये बहुत ज़्यादा ऑफ़र में थी लेकिन मैं घर के आके सोच रही थी कि मैंने दो क्यों नहीं लिया हो जाता है। और ये कोको पाउडर है, ये भी यूज़ आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें यूज़ आ जाती हैं। और यहाँ पर देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्रोसरी है कम्प्लीट हो गई है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो मेरे पास ऑलरेडी हैं इसलिए मैं नहीं परचेस की हूँ, क्योंकि डबल डबल ना हो जाए फिर वही होता है ना, स्टॉकली पड़े हुए होते हैं फिर नई चीज़ें यूज़ की जाती हैं इस तरीके से। तो इसको और ये वाला मग मुझे बहुत ही क्यूट लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था, तो बस मैंने ले लिया सहरी के लिए या कुछ सब फैमिली के लिए कोई भी ले ले, तो बस ये डी होम का है, बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। और ये देखिए यहाँ पर फुल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जी फ्रेंड्स यहीं तक था मेरा वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सबसे अलविदा, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।